दीगर खबरें शामिल करेंगे। राना सनाउल्ला का कहना है कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत, आलमी अदालत जाने का मतलब पाकिस्तान को मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू का मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस चानी से। जी अवैस, बताएगा क्या तहफ़ात हैं राना सनाउल्ला के? देखें, जो नून लीग के जो पंजाब के सदर हैं और साबिक वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत है, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इकतदार दिलाया, इकतदार में लाकर पाकिस्तान की मईशत, खारजा ताल्लुकात तबाह किए, महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमलावर जत्थों में बदल जाएं। पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फलस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हकूक गजब करने वालों को दिली खुशी होगी। राना सनाउल्ला का कहना है कि कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान नियाजी पर ये पैसा कौन खर्च कर रहा है, उन्होंने ये सवाल उठाया है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए।